हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि आपको पता है, हम जो अपना चैप्टर है द बटरफ्लाई लाइन, ठीक है, ये पढ़ रहे थे। इसका कुछ पोर्शन जो हमने पढ़ा था और आगे जो हम आज पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक लाइन पहले रुक देता हूँ, क्या था इसमें, थोड़ा सा पीछे का रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा था उसकी हिंदी बता रहा हूँ छोटा सा। क्या था ये, एक छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, अफ्रीका के जंगलों का मतलब वो है। तो ये क्या है, अपने वहाँ पे प्लॉट में रहता है और बाहर जो जंगली जानवर वगैरह आते रहते हैं, एक झोड़ होता है, ठीक है, जहाँ पर कभी पानी होता था उसकी बात है, क्लियर। तो वहाँ पर बैठा रहता है, जंगली जानवर आते थे, देखते रहता था उनको, ठीक है। ये है आगे देख के, और जहाँ पर उसको वो रहता था ना, वहाँ पार्क था एक, ठीक है। तो पार्क जो उसको बड़ा अच्छा लगता था, पार्क ये वाइल्ड है ना, ये पार्क की एक किस्म का, ठीक है, ग्रीन, वहाँ पे घास होती है और उस टाइप के अफ्रीका के अंदर होते हैं, क्लियर। अगर देखो, दैट वॉज वेयर ही यर्न्ड टू बी, ठीक है, मतलब वो क्या है, जैसे बताया ना, वाइल्ड होता है, वी एल डी, ये एक पार्क टाइप है। तो उसमें क्या है, इतनी हरी घास होती है, बड़ा सुंदर होता है, ठीक है। तो वो उसका जो पशु पशु पक्षी वगैरह जो वहीं आते हैं, जंगल में, जंगल टाइप ऐसे, ठीक है। तो वहीं आते, तो उसका जो मन वहीं लगता था, वहीं रहने का, ठीक है। यार्ड होता है आपको कोई भी जहाँ पे, जगह पे आपको जो मन लगता है वहाँ पे रहने का, क्लियर, वहाँ रहने का। व्हेनेवर हिज मदर वाज वेल इनफ, ही वुड बैग हर टू टेक हिम आउटसाइड द कंपाउंड, ठीक है। बट हर आंसर वाज ऑलवेज द सेम, आई कांट बर्टी, योर फादर हैज़ फॉरबिडन इट, सी वुड से, एंड दैट वॉज दैट, क्लियर, ठीक है। तो उसको क्या है, वहाँ जाने को मन करता था, लेकिन क्या है, उसकी मम्मा उसको जो है वहाँ बाहर जाने नहीं देती थी, ठीक है। कि वो बार बार उससे अपनी मम्मा से निवेदन करता था कि मुझे जो है वहाँ पे ले चलो, बाहर जो जंगल की साइड जो है ले चलो, मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ, अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन वो हर बार क्या, उसको मना कर देती थी कि आपके पापा ने मना किया है, ठीक है, और ये बस है तो है, मैं नहीं ले जा सकती, ठीक है, ये कहता था। अगर देखो, द मैन वुड कम होम देयर, कम होम विद देयर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द फैमिली of cheetahs sitting like sentinels on their kopje, of the leopard they had spotted high in his tree larder watching over his kill, of the hyenas they had driven off, of the herd of elephants which had stampeded the cattle, ठीक है, ठीक है। वो व्यक्ति जो आता था, व्यक्ति कौन, जो उसके पापा हैं, ठीक है, वो जो आते थे और फिर आके जो कहानियाँ सुनाते थे, किसके बारे में, वही इनकी फैमिली के बारे में, कि जो चीताज वगैरह हैं, ठीक है, क्लियर, कहानी सुनाते थे। उसमें क्या है, जो चीता वगैरह वो कहाँ बैठे रहते थे, अपने मतलब सेंटिनल्स होता है, जो सोल्जर होता है, वो गार्ड्स अ बिल्डिंग, मीन्स सैनिक की तरह जो अपनी जगह की रक्षा करता है, ठीक है। वो कुब जो होता है, जो उसका स्थान है, ठीक है, जो मतलब स्थान, मीन्स जो पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी होती है ना, जंगल टाइप में सी, उस पर जो बैठ जाते हैं वो अपनी रोक की पहाड़ी पे, ठीक है, वो क्लियर। तो वो जाके वहाँ जो अपने बैठे रहते, रक्षा करते हैं। जो लेपर्ड है वो कहाँ बैठते हैं, लेपर्ड क्या होता है, वो तेंदुए, ठीक है, लेपर्ड बोलते हैं उसको, वो पेड़ के ऊपर बैठते हैं अपने, ठीक है। और लार्डर जो भोजन रखने की जगह है, ठीक है, वो अपने जो ऊपर ही पेड़ पर अपने भोजन रखते थे, है ना। वॉचिंग ओवर स्किल्स, ये मतलब क्यों रखते थे, कि भाई जो लकड़बग्घे वगैरह है ना, लकड़बग्घे, ये हाइनस, ये होता है हाइनस, लकड़बग्घा होता है, जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। ये क्या, मांस वगैरह खा जाते थे, तो उनसे बचाने के लिए अपना ऊपर रखते थे, ओके। ड्राइवर ऑफ को जो मतलब भगाते थे उनको, भाग जाते थे दूर। और जो एलिफेंट वगैरह होते थे, ये हाँ, और लकड़बग्घे वगैरह जो है, ये जो अलग वो मवेशी, मीन्स जो कैटल, पशु, जो सिंपल गाय भैंस वगैरह होती थी ना वहाँ पे, उनका जो है शिकार वगैरह भी करते थे, ठीक है। और हाथियों के झुंड देख के जो है भाग जाते थे, क्योंकि जो हाथी जो है कि विशाल होते हैं इनके साइज़ में, क्लियर। एंड बर्टी वुड लिसन वाइड आइड, ठीक है, जो कहानी सुना रहे हैं ना इसके पापा, तो ये बर्टी जो है उसका बेटा है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल अपनी आँखें खोल के, वाइड ओपन है ना, बिल्कुल ऐसे ध्यान से सुनता, एगोग होता है बिल्कुल ध्यान से, नहीं वाइड ओपन होता है, बिल्कुल आँखें खोल के ध्यान से सुनना, क्लियर। और एगोग होता है मतलब कुछ सुनते जाने, कोई कहानी सुनाते हैं बच्चे को, तो क्या है, बिल्कुल अचंभित हो गए और पूछते नहीं कि और आगे क्या हुआ, है ना। तो एगोग वही होता है, आगे क्या हुआ, एक्साइटेड होते हैं, क्लियर, आगे क्या होता है उसके बारे में पूछता है ना। तो अगेन एंड अगेन ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गो विद हिम टू हेल्प
गार्ड द कैटल, ठीक है। वो बार बार अपने पापा से पूछता कि यदि जो है वो वहाँ पे जा सकता था, क्या वहाँ पे मतलब जा सकता था, यदि वहाँ पे जा सकता उस कैटल की, पशुओं की रक्षा करने के लिए, गार्ड होता है रक्षक, ठीक है। हिज फादर जस्ट लाफ्ड, पैटेड हिज हेड एंड सेड इट वॉज मैंस वर्क, ठीक है। उसके पापा के हंसते और क्या है उसके सर पे क्या है उसको ऐसे थपथपाते कि ये क्या है, व्यक्तियों का काम है, ठीक है, आदमियों का काम है, आप तो तुम तो बच्चे हो, इसमें मैं कह रहे हैं। ही डिड नॉट टीच बर्टी हाउ टू राइड एंड हाउ टू सूट टू, ठीक है, बट ऑलवेज विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, ये कन्फाइंस है। लेकिन मतलब क्या उसके पापा ने ना तो कभी सिखाया था कि भाई सवारी कैसे करते हैं, ठीक है, राइड होता है सवारी करने के लिए, और शूट कैसे करना है, कोई भी मारना है किसी को तो शूट करना पड़ेगा ना, वो शूट है मारने वाला, ठीक है। बट कहाँ रखते थे, हमेशा जो है कैद में रखते थे, वो जो कंपाउंड था उसका मतलब जो बाड़ा, उनका जो घर था वो है कंपाउंड कहने का, क्लियर। यहाँ पे चार दीवारें होती थी वहाँ पे, और वहाँ पे रेलिंग वगैरह, ठीक है, वो कंपाउंड है उनका घर है किस्म का, क्लियर। मतलब कन्फाइंस क्या हो गया, कैद में रखते थे, क्लियर। वीक इन वीक आउट बर्टी हैड टू स्टे बिहाइंड हिज फैंस, ठीक है। सप्ताह गए आए, सब सप्ताह आए और सप्ताह गए, लेकिन जो बर्टी है उसको क्या है, अपने जो फैंस है उसके पीछे ही रहना पड़ता था, ठीक है। फैंस आप समझते हैं, फैंस होता है जो घर की रेलिंग वगैरह होती है, जो चार दीवारी होती है उसके चार ओर क्या है वो लगी होती है, रेलिंग लगी होती है, ठीक है, ग्रिल टाइप जो आप समझ रहे हो, ठीक है, वो आपकी कहलाती है फैंस। ही मेड अप हिज माइंड दो दैट इफ नो वन वुड टेक हिम आउट into the world, then one day he would go by himself, ठीक है। वैन उसने क्या अपने आप मन बनाया कि यदि कोई मुझे नहीं लेके जाता, ठीक है, तो मैं एक दिन जो है अपने आप जाऊँगा। बट समथिंग ऑलवेज हेल्ड हिम बैक, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है हमेशा उसको जो है पीछे धकेल देता था, पीछे रोक लेता था, वो जा नहीं पाता था, ठीक है। Perhaps शायद it was one of those tales he had been told of Black Mamba, ब्लैक, अच्छा ये क्या है, मैम्बा, ठीक है, ब्लैक मैम्बा स्नेक्स, ठीक है, हुज बाइट वुड किल यू विद इन 10 मिनट्स, ऑफ हाइनस हुज जॉज वुड क्रंच यू टू बिट्स, ऑफ वल्चर्स हु वुड फिनिश ऑफ एनीथिंग दैट वॉज लेफ्ट, सो दैट नो वन वुड एवर फाइंड इवन द बिट्स, क्लियर। ये क्या कह रहा है कि भाई यदि जो है कुछ ना कुछ उसको जो है रोक देता था, मैं सुनने क्या है, कहानी किससे सुने थे, ठीक है, टेल होते हैं आपके, कहानी किससे सुनना, कहानी किससे, क्लियर। ये टेल है ना, यहाँ पे कहानी किस्सा होता है, ठीक है, इसका मीनिंग मतलब उसे कहानी किससे सुने थे, भी जंगल में जाओ ऐसे ऐसे होते हैं कि उसको ऐसे मार देंगे, काट देंगे फिर, ठीक है, मतलब कैसे काट देंगे कि भाई जो ब्लैक मैम्बा होता है, सांप होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, डस देगा, बाइट होता है काटना डसना, ठीक है, और उसको मार देगा, और कितने देर में मर जाएगा, 10 मिनट्स के अंदर ही जो है मर जाएगा, ठीक है। जो हाइनस होते हैं, लकड़ बग्घे होते हैं जंगली जानवर, ठीक है, बहुत ही मतलब मांसाहारी होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, जो लकड़ बग्घे होते हैं उनके जो पंजे हैं उसको क्या है, छिछड़े छिछड़े कर देंगे, ठीक है, जबड़े, सॉरी जॉज होते हैं जबड़े, क्लियर, जबड़े क्या है उनको क्रंच क्रंच होते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है, चीड़ देना, चीड़ फाड़ देना, है ना, और बिट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, तो लकड़ बग्घे होते हैं उनके जो शरीर का क्या है उसको क्या बना देंगे, चीर फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे, ठीक है। ऑफ वल्चर्स, वल्चर्स होते हैं गिद्ध, और गिद्ध क्या करेंगे, जो छोटे मोटे टुकड़े बचे उसको जो है सारे खत्म कर देंगे, क्योंकि मांस सारे होते हैं ना वो गिद्ध, जहाँ भी मांस दिख जाता है ऊपर से ही सीधे आते हैं नीचे, क्लियर, तो वो क्या है, जो छोटे मोटे टुकड़े बचे उसको वो खत्म कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या आपका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। फॉर द टाइम बींग ही स्टेड बिहाइंड द फैंस, बट द मोर ही ग्रीव अप द मोर ही कंपाउंड हिज कंपाउंड बिकेम अ प्रेजेंट टू हिम, ठीक है, मतलब इस समय तो क्या है वो अपने फैंस के पीछे ही रहा, ठीक है, अपनी ग्रिल वगैरह थी घर की उसके पीछे ही रहा, दायरे में रहा, अपने दायरे से बाहर नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो बेचारी जो प्रेजन है वो मतलब जो फैंस है उसके लिए कंपाउंड है उसका जो घर है वो क्या बन गया उसके लिए जेल बन गया था, क्लियर। वन इवनिंग बर्टी मस्ट हैव बीन अबाउट 6 ईयर्स ओल्ड बाई नाउ, ठीक है, अब क्या है एक दिन क्या है एक इवनिंग को क्या है जो बर्टी है वो कितना का हो गया था 6 ईयर्स का हो गया था 6 साल का हो गया था। ही वॉज सिटिंग हाई अप इन द ब्रांचेज ऑफ हिज ट्री होपिंग अगेंस्ट होप माइट कम डाउन फॉर देयर सनसेट ड्रिंक एज दे ऑफन डिड, ठीक है, मतलब एक बार क्या है एक बार पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, तो सोच रहा था कि भाई
कोई आएगा, पशु पक्षी पशु जो है जैसे हर बार की तरह आता था, ठीक है, उनका वेट करता था, अभी शेर वगैरह आएंगे, क्लियर। ही वॉज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, ठीक है, वो सोच रहा था कि चलो छोड़ ही देते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है, क्लियर। फॉर इट वुड सून बी टू डार्क टू सी मच नाउ, वैन ही सा सॉलिटरी लॉयनेस कम डाउन टू द वाटर होल, ठीक है, जब लेकिन जब उसने सोचा कि ठीक है अंधेरा हो रहा है तो अभी चलना ही चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है, जब बैठा रहा तो उस टाइम क्या है, एक वहाँ पर एक शेरनी आई, एकांत में क्या है, एक शेरनी आई, सॉलिटरी होता है एकांत, अकेले में, ठीक है, अकेले में क्या है, एक शेरनी, लॉयनेस होता है आपका शेरनी, क्लियर। कम डाउन टू द वाटर होल, कहाँ पे आई, जो झोड़ था पानी का था, यहाँ पे, यहाँ पे जैसे पेड़ पर बैठा हो तो यहाँ पे आई, ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे जानवर है, यहाँ की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आई झोड़ पे, वाटर होल होता है आपका झोड़ जहाँ पानी भरा होता है, ठीक है। देन ही सॉ दैट सी वॉज नॉट अलोन, ठीक है, उसने देखा कि वो क्या अकेली नहीं थी, बिहाइंड हर उसके पीछे, एंड ऑन अनस्टेडी लेग्स, ठीक है, जो अनस्टेडी होते हैं, स्टेबल नहीं होना, इधर उधर बेचारे पैर करते जाना, केम वट लुकड लाइक ए लॉयन कब, ठीक है, जो कि मतलब छोटा बच्चा भी आया था, जो कि ऐसे दिखाई देता था कि वो शेर का बच्चा हो, लॉयन कब होता है शेर का बच्चा, क्लियर। बट इट वॉज वाइट, ग्लोइंग वाइट इन द गैदरिंग ग्लूम ऑफ डस्क, ठीक है, वो कैसे दिखा रहा था, बिल्कुल जो है वाइट दिखाई दे रहा था, जो शाम थी, डस्क क्या होता है आपका, संध्या होती है, ठीक है, जैसे जो शाम का समय होता है ना, जहाँ पे भाई रात होने वाली, अंधेरा होने वाला होता है, ठीक है, तो वो अंधेरा हुआ नहीं है, होने वाला, तो वो टाइम क्या कहलाता है आपका, डस्क, क्लियर, ये होता है, तो वो उसको क्या है, वाइट जो है वो दिखाई दे रहा था, ओके। ये तो बता दिया आपको, डस्क होता है जो संध्या होती है, ठीक है, भाई रात होने वाली मतलब शाम होती है, शाम जैसे अंधेरा ढलने का होता है, तो वो समय, अंधेरा हुआ नहीं है, होने वाला होता है उस समय, वो क्या कहलाते हैं आपकी, डस्क, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है आपका डान, DAWN, डान क्या होता है, जो सुबह होती है ना, सुबह मीन्स आपको क्या बताएं, इसको भोर कहते हैं, ठीक है, सूर्य की जो पहली किरण होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउन, कहते हैं ना भोर भरी अब जागो, तो सुना होगा भजन, उसमें बोलते हैं ना, तो वो होती है आपकी डाउन, क्लियर, ये है, ओके, दैट्स इनफ फॉर द डे, रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंप्लीट इन अवर नेक्स्ट कमिंग वीडियो, ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय नाउ, बाय फॉर नाउ।